आपका सवाल, अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? आपका जवाब होगा 24 तिलियां। आपका अगला सवाल, किस देश में सबसे ज्यादा ट्रेन चलती है? आपका जवाब होगा जापान में। आपका अगला सवाल, दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन है? आपका जवाब होगा बर्नार्ड अर्नोल्ड। आपका अगला सवाल, कौन सा जीव एक आंख खुलकर सोता है? आपका जवाब होगा डॉल्फिन। आपका अगला सवाल, क्रिकेट का जन्मदाता कौन से देश को कहा जाता है? आपका जवाब होगा इंग्लैंड। आपका अगला सवाल, किस शासक को 3 बार दफनाया गया था? आपका जवाब होगा बाबर। आपका अगला सवाल, मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? आपका जवाब होगा भारत। आपका अगला सवाल, इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से किस शहर को जाना जाता है? आपका जवाब होगा बेंगलुरु। आपका अगला सवाल, फूलों की घाटी किस राज्य में है? आपका जवाब होगा उत्तराखंड। आपका अगला सवाल, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है? आपका जवाब होगा गोरखपुर। आपका अगला सवाल, किस फल में जहर पाया जाता है? आपका जवाब होगा सेब। आपका अगला सवाल, भारत में कौन सा त्योहार सर्दियों में मनाया जाता है? आपका जवाब होगा मकर संक्रांति। आपका अगला सवाल, भारत में नोटबंदी किस तारीख को हुई थी? आपका जवाब होगा 8 नवंबर 2016। आपका अगला सवाल, भारत का सबसे लंबा रेलवे जंक्शन कौन सा है? आपका जवाब होगा गोरखपुर। आपका अगला सवाल, कौन सा जानवर है जिसकी आवाज नहीं होती? आपका जवाब होगा जिराफ। आपका अगला सवाल, सबसे पहले किस देश में एम्बुलेंस चलाई गई थी? आपका जवाब होगा यूरोप। आपका अगला सवाल, किस देश में मोटापा बढ़ाना गैर कानूनी माना जाता है? आपका जवाब होगा जापान। आपका अगला सवाल, इंसान के दिमाग में कितना प्रतिशत पानी होता है? आपका जवाब होगा 70%। आपका अगला सवाल, किस देश में 76 दिनों तक सूरज नहीं डूबा? आपका जवाब होगा नॉर्वे देश। आपका अगला सवाल, मच्छर की उम्र कितनी होती है? आपका जवाब होगा 10 से 56 दिन तक। आपका अगला सवाल, महात्मा गांधी की फोटो नोट पे कब छपी थी? आपका जवाब होगा 1969 ईस्वी में। आपका अगला सवाल, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? आपका जवाब होगा 8848 मीटर। आपका अगला सवाल,
भारत का सबसे बड़ा चावल का उत्पादक कौन सा राज्य करता है? आपका जवाब होगा पश्चिम बंगाल। आपका अगला सवाल, कौन सी मछली हवा में उड़ सकती है? आपका जवाब होगा फ्लाइंग फिश। आपका अगला सवाल, तितली के कितने पैर होते हैं? आपका जवाब होगा 6 पैर। आपका अगला सवाल, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? आपका जवाब होगा यमुना नदी। आपका अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय रंग कौन सा है? आपका जवाब होगा केसरिया। आपका अगला सवाल, कौन सा देश आज तक किसी का गुलाम नहीं हुआ? आपका जवाब होगा नेपाल। आपका अगला सवाल, मिस वर्ल्ड बनने के बाद कितने रुपए मिलते हैं? आपका जवाब होगा 10 करोड़। आपका अगला सवाल, लीची का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? आपका जवाब होगा भारत।